नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट है उसमें जो एनसीटी दिल्ली के स्पेशल स्टेटस और हमेशा न्यूज में एक बना रहता था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में एक टसल बना हुआ रहता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। आम आदमी पार्टी का जो मेम्बर्स हैं उनके बीच में आप देख सकते हैं कि खुशी की लहर है, लेकिन हम लोग का ये जो टॉपिक है इसमें जो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसके लिए ये एक पोटेंशियल एरिया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हाईलाइट आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जजमेंट है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म ये टर्म हाईलाइट हुआ है। तो ये आज हम लोग बात करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म क्या है। दिल्ली का यूनिक स्टेटस एज द यूनियन टेरिटरी उसके बारे में बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट हम लोग का जनरल स्टडी का जो पॉलिटी मतलब जीएस पेपर टू उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है और इसको अच्छे से तैयार करना है। हम लोग चलिए बात करते हैं। इसमें जो एक डिबेट है कि जो यूनियन टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के साथ साथ कुछ उसका स्पेशल स्टेटस है और जिसके लिए आर्टिकल 239 AA में चर्चा की गई है कि जो दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है वो 239 AA में चर्चा की गई है। जब हम लोग यूनियन टेरिटरी एज ए क्लास की बात करते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 239 से लेकर 241 के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। तो इसको याद रखना है कि दैट 239 से लेके 241 तक यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में जो दिल्ली है ये भी आता है, लेकिन चूंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है इसलिए नेशनल कैपिटल को एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह डिफाइन किया गया है और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 हुआ था। इस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बाद जो एनसीटी दिल्ली का स्टेटस दिया गया, 239 AA जो इसके स्पेशल स्टेटस की बात करता है और नेशनल कैपिटल के साथ साथ यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। आपको जैसे पता है कि हमारे यूनियन टेरिटरी में सारे यूनियन टेरिटरी के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है? एक तो दिल्ली, सेकंड द पौंडीचेरी जिसको आप क्या बोलते हैं पुदुचेरी, थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर। यही तीन यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना क्या है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल में दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है, क्यों? क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन भी है इसलिए इसको एनसीटी दिल्ली भी बोलते हैं। तो क्या स्पेशल रीजन है उसका हम लोग आज और डिटेल में अभी देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको क्या बोला जाता है, MLAs। तो जैसे पता है कि अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना स्ट्रेंथ है ना, 70। ठीक, तो ये सारे प्रोविजंस ऐड किए गए 1991 में। तो इसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन चलते रहता था। और एक जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जब हम लोग बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी का, तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ना, यूनियन टेरिटरी चूंकि फेडरल मॉडल में एक एक्सेप्शन है, एक लिमिटेशन है, ये फेडरेशन क्या है या फेडरल मॉडल क्या है या फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग कभी चर्चा किए हैं कि जब भी हम लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ये बेसिकली दो एंटिटी के बीच में पावर शेयर या पावर डिवीजन की बात करता है। एक है सेंटर एंड सेकेंड एंटिटी को बोलते हैं, सेकेंड क्लास को बोलते हैं स्टेट। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी बेसिकली सेंटर के ही ज्यूरिस्डिक्शंस में आता है, सेंटर के ही डोमेन में आता है। तो यूनियन टेरिटरी कहीं भी पावर शेयर की बात नहीं करता है, इसलिए जो यूनियन टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है ना, सेंटर करता है। सो यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट लॉ बनाता है। लेकिन एनसीटी दिल्ली की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है और उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब MLAs हैं
और वहाँ पर सरकार बनती है और सरकार बनी है। तो जो इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं, माने इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं, जिसको कि हम लोग MLA या फिर सरकार बोल रहे हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स ये है कि नहीं है, इस पर हमेशा चर्चा क्वेश्चन और इसी पे बेसिकली डिबेट है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 अभी बात किए, जिसमें कि स्पेशल स्टेटस की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होगा किसके पास, ना वो इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास, एक्सेप्ट कि तीन सब्जेक्ट हैं जिसको एक ट्रिक से याद रख लेंगे, PPL। इसका क्या मतलब होता है, ना पी से द पब्लिक ऑर्डर, पी से पुलिस एंड एल से ना लैंड। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर में दिल्ली गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर नहीं होगा, मतलब पब्लिक ऑर्डर में लॉ नहीं बना सकती है, पुलिस उसमें लॉ नहीं बना सकती है, और जो थर्ड है लैंड, उससे उस पर लॉ बना नहीं सकती है। तो ये ही लिमिटेशंस हैं। लेकिन अदर जो सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर का रेगुलेशंस, जो अदर सर्विसेज हैं वहाँ पर न जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका न लेजिस्लेटिव पावर भी होगा और एग्जीक्यूटिव पावर भी होगा। तो ये चीज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविजंस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी रिसेंट जजमेंट आया, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का स्ट्रेंथ कितना है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का स्ट्रेंथ है 5। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको बोलते हैं, कि जब भी कोई जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पे या कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे जजमेंट दिया जाएगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है, और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर 5 जज बेंचेज का जजमेंट आया, और उसमें से ये बताया गया कि जो NCT ऑफ दिल्ली है उसका एक यूनिक स्टेटस है, उसको अदर यूनियन टेरिटरी के क्लास में हम लोग नहीं रख सकते। ये क्लियर हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसमें बात की गई कि ये बेसिकली क्यों यूनिक है और किस तरह से यूनिक है, इसके लिए कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, कि दैट कि इन द डेमोक्रेसी कि द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिसाइड इट इन द इलेक्टेड आर्म्स ऑफ द स्टेट। का मतलब एक नॉर्मल सेटअप की जब बात कर रहे हैं, कि एक तरफ है क्या कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक, मतलब गवर्नमेंट है। अब ये गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट को यदि पावर नहीं दिया जाए, तो गवर्नमेंट क्या क्या पावर, ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, ये यदि नहीं दी जाए, तो फिर इस गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही एसेंस है, कि दैट कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर बेसिकली डायरेक्टली एक्सरसाइज किया जाता है ना, कि आप लोग जानते ही होंगे कि दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स, और ये रियल एग्जीक्यूटिव एड इन एडवाइज में काम करते हैं। तो यहाँ पर जब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में एक साइड में क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कि हम लोग LG बोल रहे हैं दिल्ली के केस में, और दूसरे साइड में क्या है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर LG को कुछ एडवाइज करेंगे, और LG अपने उसके एड इन एडवाइज में ही काम करेंगे, ये अपने डिस्क्रिप्शन में काम नहीं कर सकते हैं, है ना, अपने डिस्क्रिप्शन को छोड़ के अदर एरियाज में काम नहीं कर सकते। तो ये मेन बेसिकली मुद्दा है। तो इस आर्टिकल में, इसको आप लोग PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, कि इस टॉपिक का जो आर्टिकल का थीम है, कि ये जो इशू है, ये इशू बेसिकली काफ़ी समय से चलते आ रहा है, कि 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और उसमें बोला गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली शैल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सर्विसेज, इसकी बात की गई थी, कि जो LG हैं वो बेसिकली सर्विसेज के ऊपर में कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, और जो इलेक्टेड हेड, मतलब जो गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, उसका पावर क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक, लेकिन इस पर फिर हमेशा टसल चलते रहा था, क्योंकि LG एक तरफ और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर। अब इसमें बहुत सारे जजमेंट हुए, उसमें से दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया दिल्ली हाईकोर्ट में 2017 में, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को ही अफेल्ड किया, कि जो नोटिफिकेशन आया है कि LG सर्विसेज के ऊपर में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, वही वैलिड है। फिर
आगे चल के इस क्वेश्चन को रेफर कर दिया गया और एक लॉन्गर एक हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया गया। लेकिन 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, 2018 में जब हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, उसमें भी 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और उसमें एक जजमेंट दिया गया जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में थी। ठीक, इसको याद रखना है कि 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था और वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में थी। तो इसमें क्या बोला गया था कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी यूनानिमस वर्डिक्ट दिया गया था कि एक लॉ को लेट डाउन किया गया कि जो गवर्नमेंट और एलजी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। ठीक, कि द गवर्नमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द दिल्ली एंड दैट द सेंटर। अब क्या हुआ कि आगे चल के फिर और जजमेंट आए थे और 2019 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, है ना। 2018 में 2 जजेज का एक बेंच बना जिसमें कि अशोक भूषण और ए के सिकरी, जो अभी रिसेंट जो 5 जजमेंट बेंचेज का जजमेंट आया उसके भी ये लोग जजेज थे, जस्टिस थे अशोक भूषण एंड ए के सिकरी। तो इन स्प्लिट वर्डिक्ट में भी ये बात की गई थी कि दैट कि जो इसमें ये बात की गई थी कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ही था कि जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में होना चाहिए। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि ये 2023 में अभी जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जजमेंट आया उसमें इसको क्लियर कर दिया गया कि स्टेटस स्पेशल स्टेटस है। पहली बात, 239 AA के तहत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है इलेक्टेड के हेड के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, सर्विसेस का कंट्रोल भी होगा। सर्विसेज में मतलब कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट, 3 टॉपिक जिसको कि क्या मैंने बताया PPL, है ना, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड द लैंड। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज होंगे उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज होगा। यदि LG और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी टॉपिक पे इशूज होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो LG उस मैटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो डायरेक्शन आएगा, मतलब जो गाइडलाइन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे काम किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो ये एक्चुअली में स्टेटस है। तो ये सब टॉपिक समझ में आ गया आपको। तो ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशंस क्या था, एक तरफ था सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ क्या है दिल्ली गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच में बातें चल रही है, दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से ये टसल चल रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मेन फोकस था कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी ही है ना। तो यदि अदर यूनियन टेरिटरी लाइक कि पौंडीचेरी है, लाइक कि जम्मू कश्मीर है, किसी यूनियन टेरिटरी के पास सर्विसेज में, मतलब स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे इस तरह का स्पेशल पावर नहीं है, तो दिल्ली को फिर क्यों है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट था कि 1992 के बाद एक इसका स्पेशल स्टेटस दिया गया, दूसरा कि ये एक स्पेशल मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, और चूंकि एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इसलिए यहाँ पर इसका स्पेशल स्टेटस को 399 AA के तहत इंश्योर किया गया है। तो यहाँ पर जो हमेशा बात सुनते रहते थे कि जो दिल्ली एक स्टेटहुड का मान कर रहा है, लेकिन स्टेटहुड कहीं ना कहीं तक दैट इज कॉल्ड, वो आगे पॉलिटिकल डिबेट है और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। हम लोग का जो मेन पॉइंट है कि दैट के आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट रीड्स द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव द पावर टू मेक लॉज, ये सब बातें थी। तो सेंटर्स का आर्गूमेंट ये था कि द कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होना चाहिए क्योंकि अदर यूनियन टेरिटरी के पास नहीं है। लेकिन अब ये जो क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट कि कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि द दिल्ली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है, ना यूनिक मॉडल है, ये एक डिफरेंट केस है। एक थाली में हम लोग यूनियन टेरिटरी रखें, लेकिन इस दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ साथ ये NCT है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में इसको हम लोग ट्रू फेडरल मॉडल में भी नहीं रख सकते हैं जहां पर पूरा एक सेंटर है और एक स्टेट है। ठीक, लेकिन यहां पर ये यूनियन टेरिटरी के नाम, यूनियन टेरिटरी
है सिर्फ इसलिए इसके जो इलेक्टेड हेड है उसके सारे पावर को ले लिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, ऐसे भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्टेड हेड हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका एक ड्यू पावर होना चाहिए जिसको कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर बोल रहे हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसमें बोला गया कि ये स्वी जेनरिस मॉडल है, ये सब यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि सारे यूटी एनसीटी नहीं है, दिल्ली स्पेशल केस है इसलिए उसके साथ है। और ये क्या क्या चीजें हैं इसमें ना, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देखा कि स्पेशल स्टेटस है, साथ ही साथ सर्विसेज के ऊपर में दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड रेगुलेशंस होगा। थर्ड जो हमने क्या बात करी कि अब सिर्फ पीपीएल को छोड़ के सारे जो अदर सर्विसेज हैं वहाँ पर, लाइक कि जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का पोस्टिंग ट्रांसफ़र, वो सारे काम कौन करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके जब 2018-2015 का नोटिफिकेशन था वो खुद काम कर सकते थे, डिस्क्रेशन में कर सकते थे, तो इस तरह से बातों को एक लिमिटेशन दिया गया। इसका मतलब ये कहें कि ये ना तो प्योरली यूनियन टेरिटरी है और ना ही ये प्योर स्टेट है, ये कुछ इन दोनों के बीच का मॉडल है। तो इसको आप लोग फेडरलिज्म के फीचर्स में भी आप ऐड कर सकते हो कि क्या यूनिक फीचर है इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म का, क्योंकि जो फेडरलिज्म ये एक फंक्शनल अरेंजमेंट है ना। फेडरलिज्म क्या है, ये एक फंक्शनल अरेंजमेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन डिफाइन किया गया है और यूनियन इज इक्वल टू फेडरेशन है और इस फेडरेशन में किसी भी स्टेट को राइट टू सीसेशन नहीं है, यही है यूनियन यूनियन का डेफिनेशन। लेकिन इस यूनियन इस मॉडल में ये फेडरलिज्म एक फंक्शनल अरेंजमेंट है और उसके बहुत कुछ यूनिक फीचर्स हैं, तो ये स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली भी उसी एक फेडरल फीचर में आएगा। तो ये आज का टॉपिक समझ में आया कि इसमें अभी क्या, अब हम लोग का कंक्लूजन पे है कि करेंटली देयर इज दिल्ली गवर्नमेंट और इस दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेस एक्सेप्ट द पीपीएल। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने एलजी विल एक्ट अंडर द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। और उसके बाद यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है एलजी और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में तो मैटर विल बी रेफर टू प्रेसिडेंट, मैटर किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शंस होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होगा, गाइडलाइंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सरकार चलेगी और ऐसा कुछ इसमें प्रोविजन है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोला गया, ये नहीं चलती है तो प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकते हैं जिसको कि दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हीज रूल, इसको प्रेसिडेंट रूल नहीं बोलेंगे, याद रखना है ना। तो ये इस तरह से बातें होंगी। अब इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस आपको किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये वो जजमेंट है। सेकेंड, जो एनसीटी ऑफ द दिल्ली का यूनिक स्टेटस किस आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 239AA, इसको याद रखना है। थर्ड, एक क्वेश्चन जो है कि जो मॉडल ऑफ दिल्ली है, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली मतलब एनसीटी डी, दिस इज ए सुई जेनरिस मॉडल, तो इस सुई जेनरिस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सुई जेनरिस मॉडल और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्राई टू अचीव दिस मॉडल ऑफ द सुई जेनरिस, ठीक। ऑल्सो एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये था आज का सेशन, आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।